से बेस्ट फोटोज क्लिक करना बस और फोटो चलाना कुछ सीरियस नहीं है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और हम सब आज खेत घूमने आए हैं और मेरे साथ उज्जवल और अमित आया हुआ है, ठीक है। और हम लोग खेत घूमने आए हुए हैं और पीछे आप देख सकते हैं, और ये देखिए हमारे गांव की काली माई है ये। और चलिए घूमते हैं, खेत घूमते हैं, कैसा लग रहा है। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि 8-9 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन देखते हैं कैसी है खेती। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ये हमारे गाँव की हरियाली, और ये क्या है एनीवन गेस की कोई बता सकता है ये क्या है। वो तो गेहूं है, और ये क्या है कोई बता सकता है। अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए हमारे गांव की काली माई, और उज्जवल और अमित है, और ये नीम का पेड़। ये अभी धान कटे नहीं है, अभी टाइम है इसमें। ये देखिए ये हमारा गांव है, और ये यहाँ का तालाब, इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, बहुत ही अलग अलग। कि हमारा गांव ऐसी खूबसूरती कहीं कि 8-9 दिन के बाद गेहूं जो है खेत में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गए हम लगभग, मेरे को 15-16 दिन हो गए। मैं 15-16 दिन बाद खेत में आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कब आपसे वादा किया था कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा गेहूँ कि जब निकलेंगे तो उस टाइम तो सब काला काला लग रहा था बिल्कुल, कि मतलब अजीब सा लग रहा था। ठीक है, लेकिन हम जस्ट मेरे पीछे देखिए बिल्कुल हरा, पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ये बिल्कुल हरा, ये सब गेहूं है। और ये हमारे पीछे मेरे को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उज्जवल और अमित। ठंड में परेशान कर दिया ब्लॉग के चक्कर, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। देखिए धूप भी नहीं निकली, अभी टाइम हुआ है 2 बज रहे हैं, तो करीब 2 बजे के करीब यहाँ धूप होती है, तो आज धूप नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हमने कैप भी पहनी हुई है, इतने ठंड में लगे पड़े कौन। चलिए आपको एक मिलाते हैं, वो काम कर रहे हैं अपना, उनसे दिखाते हैं आपको कि क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, चलिए पहले देख रहे हैं आप, और मैंने दिखाया था आपको, वो देखिए वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। वो जो है लहसुन होता है ना, तो उसमें घास वगैरह निकल जाता है जिसकी वजह से लहसुन ऊपर बढ़ नहीं पाता है, तो वो उस घास को हमारे लैंग्वेज में उसको सोना बोलते हैं, उसको सो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हरियाली, देख रहे हैं गेहूँ कितना मस्त गेहूँ हुआ है। और व्यू, हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, और हम इस ठंड में आए हुए हैं। और इन दोनों को देखिए, ये भी घूम रहे अपना, शॉल बड़ी मस्त लग रही है भाई तेरे में। अपना नौका नहीं होता चल दे दे अपना, ये मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन का स्पीकर ख़राब है, मैं भाई का फ़ोन लेके आया हूँ, और मैंने उससे कहा कि भाई ब्लॉग बनाना है, मेरे को फ़ोन दे दे तू अपना, तो उसने दे दिया मेरे को फ़ोन। इससे बेस्ट फ़ोटो शूट की जगह हो ही नहीं सकती है ना उज्जवल, मानता है ना इस बात को। और हम फ़ोटो खींच के भी डालेंगे, मैं अपने ब्लॉग में भी फ़ोटो शेयर करूँगा, जिसकी जिसकी फ़ोटो खींचूँगा, जैसे मैं, उज्जवल और ये मेरा भाई। ठीक है, चलिए हाँ वो अमित, और अभी हम फ़ोटो खींच रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अभी आगे के ब्लॉग में, अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगी तो मिलते हैं। अब हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं, और हम खेत घूम चुके हैं, और ये हमारे पीछे तालाब। और चलिए और भी रास्ते में और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको जो गाँव से जुड़ी हैं। ठीक है, तो अब हम माँ काली के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, ये देखिए मंदिर, और ये नीम का पेड़, और ये उज्जवल, ये भी गांव का हिस्सा ही है बेचारा। और चलिए आगे और भी दिखाता हूँ मैं क्या क्या। ये धान है, अभी कटा नहीं हुआ है, जब कटेगा पता चल जाएगा। और ये बिल्कुल यहाँ से लगा के पूरा हरियाली हरियाली, देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये जो है जा रहे हैं दोनों घर पे, देख रहे हैं मेरे को पीछे छोड़ दिया, पहले बोले कि चल ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, और अब मेरे को पीछे छोड़ दिया। ये देखिए नज़ारा, गज़ब का व्यू है, गज़ब। जब ये और बड़े हो जाते हैं ना तो और मस्त लगता है, मतलब गाँव घूमने में अलग ही मज़ा आता है, अलग ही सुकून। देख रहे हैं, अरे भाई ओए 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 ओ, देख देख देखो 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 देखो,
ये भी WWE चैंपियन रोमन रेंस और ये जानते हैं आप क्या है, वो धान है ना, जब वो कटता है ना तो इसको पुआरा बोलते हैं हम लोग। ये देखिए आ गया, ये रोमन रेंज है। और वो उसका नाम ब्रॉन स्ट्रोमन। बहुत ज़्यादा ठंडा है, धूप तो है नहीं तो हवा चल रही है, तो हवा ठंड में जब हवा लगती है ना तो ऐसा मन हो जाता है ना, मतलब गजब की ठंड लगती है, तो उस टाइम रजाई भी काम नहीं करती है। मतलब जब कोई बंदा आके ना रजाई में घुसता है ना, जब एक तो ऐसे मतलब पहले का बैठा हुआ है और दूसरा जब आके पैर जब टच करता है ना, तो मतलब ऐसा मन करता है ना कि मतलब पीट दे उसको ठंड, तो वैसे वाली ठंड है ये। मतलब धूप ही नहीं निकली आज, मतलब 3 दिन हो गए, 3 दिन से धूप नहीं निकल रही है। और जो भी है ठंड में बच के रहें, बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर ठंड लग गई भाई तो मतलब पूछने वाली बात नहीं। कल एक मेरा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी तो मैंने शॉल ली हुई थी, तो शॉल मेरी ख़राब होगी तो मैंने घर पे रख दी, तो ख़राब क्या मतलब गीली हो गई थी, मैं नहा के है ना तो गीली हो गई थी, तो धोने के लिए घर पे रख दी। तो आज स्वेटर और टोपी के साथ हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हैं गांव, हरियाली। और कहाँ भाई, देखिए वो काली माँ का मंदिर है, वहाँ से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। और मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ, गाँव के साथ, या फिर मैं कहीं घूमने जाऊँगा। मेरा नेक्स्ट प्लान है करकटगढ़, जो कि हमारे बिहार में ही है। काफ़ी जगह वाटरफॉल है वो, और काफ़ी अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा घूमने जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जय हिंद।